अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रजा। तालिबान के बानी मुला उमर के साहबजादे और अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुला याकूब पहली बार एक तकरीब में मंजरे आम पर आ गए। इससे कबल उनकी कोई भी तस्वीर दस्तियाब नहीं थी। वाज़ह रहे कि मुला उमर की भी एक दो ही तस्वीर दस्तियाब है। तर्जुमान तालिबान डॉक्टर मोहम्मद नईम के मुताबिक काबल में शहीद सरदार दाऊद अस्पताल की इफ्तारी तकरीब उस वक्त पुरजोश नारों से गूंजी थी जब वहाँ मुला उमर के बेटे मुला याकूब पहुंचे। तालिबान के बानी मुला उमर के बेटे मुला याकूब ही वो शख्सियत है जिन्होंने अमरीकी फौज के इंकलाब के ऐलान के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की अस्करी कामयाबियों की क्यादत की थी और काबुल को फतह किया था। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया भी मौजूद था जिन्होंने इस मौके को गनीमत जानते हुए मुला याकूब की तस्वीर खींची जिस पर सहाफियों को रोका भी नहीं गया और इस तरह मुला याकूब की पहली तस्वीर मंजरे आम पर आ गई। वाज़ह रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान के इकदार संभालने के बाद मुला याकूब अपने अहल खाना और सिक्योरिटी गार्ड के हमरा कंदार से काबुल मुंतकिल हो गए थे। मुला याकूब चूंकि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं तो उनकी शख्सियत के बारे में जानना नेशनल रिलेशन से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए अहम है। तो अब तक के लिए इतने पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।